महत्वा सरप्रस्ता सा आज हम 26वां पाठ इलाचाधरी ये सीखने जा रहे हैं। इस सबक में, इस पाठ में बताया गया है कि बच्चे किस तरह से मिलजुल कर रहते हैं। अगर हमने बचपन से बच्चों को मिलजुल कर रहने की आदत डाले तो वो बड़े होकर हमारे समाज में, हमारी कौम में वो मिलजुल कर ही रहेंगे, उनमें मिलनसारी का जज्बा पैदा होगा। इस सबक में बताया गया है कि बच्चे किस तरह से एक दूसरे के सुख दुख, खुशी गम में शरीक होते हैं और खुशी में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ऐसा हमें बचपन से ही उनमें इस आदत को परवान चढ़ाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं 26वां पाठ इलाचाधरी।